Hello everyone, welcome to Dr. Gunjan's classes. I'm Dr. Gunjan Goyal and today we are going to start with our class 10 science syllabus. So we already discussed the syllabus of your science subject of the 10th class. Now we are going to start with our unit number 1, chapter number 1. So, the under unit number 1, that is chemical substances, nature and behavior. We are going to start with our first chapter, that is chemical reactions and equations. So, this is the chapter number 1 of your unit number 1 of your class 10th CBSC, right? So, this chapter I have divided into 7 parts. So under 7 parts we are going to do this chapter. So in small portions we are going to understand about this chapter, and it's basically covering NCERT book of your class 10th, right? So let's see what are the contents we are going to study under this video, part 1 video. So under this we are going to study ki chemical reactions hoti kya. So chemical reactions basically, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल चेंज आपके आसपास जो दिख रहा है वो केमिकल रिएक्शन है. जैसे कि अगर हम बात कर ले केमिकल रिएक्शंस में, सपोज कुकिंग, इट्स कुकिंग, लेट्स सी. सो ठीक है, कोई भी चीज कुक कर रहे हैं हम, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, और पानी का बॉइल होना, आइस का फ्रीज होना, सो दीज ऑल आर केमिकल रिएक्शन. सो एवरीथिंग गोइंग अराउंड अस, दैट इज केमिकल रिएक्शन. सो दे आर एवरीवेयर, सो दे आर एवरीवेयर, बट हाउ डू वी आइडेंटिफाई दिस एज अ केमिकल रिएक्शन? तो हमें कैसे पता लगता है कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही है? सो वो हम इस पार्ट की वीडियो में देखने वाले हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट आर केमिकल रिएक्शन? अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन होती क्या? सो इसकी जो डेफिनेशन है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में बताया गया है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कोई मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं एक डिफरेंट, ऑल टूगेदर डिफरेंट मॉलिक्यूल या डिफरेंट कंपाउंड में. ठीक है, मे बी under the influence of some catalyst or without catalyst. ठीक है, so जो molecules, ठीक है, convert हो रहे हैं उनको हम लोग reactant बोलते हैं, that is called as reactant. और जिस compound में वो बन रहे हैं, ठीक है, that is called as product. क्या बोला जाता है? product. तो जो word equation है, ये इसका मतलब होता है इन रिएक्टेंट्स का इन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना. ठीक है, इन रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड एज इक्वेशन, इक्वेशन. ठीक है, तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या हुआ? एक ऐसा प्रोसेस जहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ एटम्स कन्वर्ट हो रहे हैं ऑल टुगेदर इंटू अ डिफरेंट प्रोडक्ट. एक कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं कुछ रिएक्टेंट्स मिलकर, मे बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, मे बी अंडर सम कैटलिस्ट, अंडर सम हीट, और मे बी सम अदर रिक्वायरमेंट, सम टेम्परेचर और प्रेशर रिक्वायरमेंट, और मे बी नो नॉट, राइट? तो कोई भी ऐसी चीज जो चेंज हो रही है जिसमें केमिकली चेंज देखने को मिल रहा है, और एक रिएक्टेंट से दूसरे प्रोडक्ट में फॉर्म होना, जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं. ठीक है, और जिस चीज में चेंज हो रहा है, जो चीज बन रही है, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं. ठीक है, अब जैसे आप देखिए, एक अगर आप रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं. ठीक है, दिस इज अ रिएक्शन. ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन, दे आर कंबाइन टू फॉर्म वाटर. सो जो ये लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो कंपाउंड्स हैं, इनको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलेंगे, इनको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलेंगे, और जो ये ऑल टुगेदर फॉर्म हो गया राइट हैंड साइड पे, इसको हम लोग प्रोडक्ट्स बोलेंगे.
क्या बोलेंगे प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है फ्रॉम द रिएक्टेंट्स. और ये जो एरो हेड है ये शो करता है कि इक्वेशन हो रही है, इक्वेशन हो रही है, ठीक है, पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स की रिएक्शन इस किस डायरेक्शन में हो रही है. सो दिस एरो हेड शोज द पॉइंट ऑफ डायरेक्शन, रिएक्शन का डायरेक्शन किस साइड पे है, सो दैट इज टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड. ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं तो उनको लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग सेपरेट सेपरेट लिखकर बीच में प्लस साइन डाल देते हैं. इफ देयर आर टू देन वी कैन ऐड H2 प्लस O2, इफ मे बी मोर देन टू देन वी कैन ऐड आल्सो प्लस साइन एंड ऐड दैट रिएक्टेंट ओवर हियर. वेयर एज ऑन द राइट हैंड साइड अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो हम ऐसे लिख देंगे, बट अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर भी हम लोग प्लस साइन डाल के वो वाले प्रोडक्ट्स का नाम लिखते चले जाएंगे. सो ये एक केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको बेसिकली समझने के मिला यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है. इट्स अ प्रोसेस वेयर द रिएक्टेंट्स दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स मे बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट का एक मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो कि रिएक्शन को करवाने में मदद कर रहा है, रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट. तो अब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस तो हमारे आसपास सब जगह है. आप कुकिंग कर रहे हैं जिसकी मैंने आपको बताया, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, रिएक्टेंट्स आप कुछ रॉ मटेरियल लेते हैं उसको हीट देते हैं, ठीक है, तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है. Similarly, आप रिस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन. वेयर एज हीट, हीट करना किसी चीज को, दैट इज कम्बशन. रस्ट, जैसे कि अगर आप देखें आपने सबके घर में कोई ना कोई आयरन की कोई भी चीज पड़ी होती है, हमारे पास नेल्स यानी कि कीलें जो होती हैं आयरन की सबके घरों में, लॉक सबके घरों में होता है, तो अगर उसको काफी देर तक ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो आप यू कैन सी कि उसके ऊपर रस्ट लग जाती है, वो ब्राउन हो जाता है. सो दैट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन. आप खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स खाने को बना रहे हैं, फूड की फॉर्मेशन करना, प्रोडक्शन करना, दैट इज ऑल्सो फोटोसिंथेसिस. उसको हम केमिकल रिएक्शन में लिख सकते हैं. ठीक है, सो दीज लाइक वॉशिंग योर हैंड्स, वॉशिंग योर क्लोथ्स, फर्मेंटेशन. ग्रेप्स को आप ऐसे ही अनटच छोड़ दीजिए तो वो फर्मेंट हो जाते हैं, ठीक है, उनमें ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन हो जाती है उसकी. सो दीज ऑल आर केमिकल रिएक्शंस व्हिच वी ऑब्जर्व इन अवर एवरीडे लाइफ, बट हमें पता ही नहीं होता कि ये एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस है. ठीक है, सो देन अब हम बात कर रहे हैं कि हम पता कैसे लगाएंगे कि कोई भी चीज केमिकल रिएक्शन है. तो इस चीज को पता लगाने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स को हमने डिफाइन किया है जिसमें हम लोग बता सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है. देखिए, अगर किसी भी चीज से लाइट या हीट, हीट निकल रही है, ठीक है, हीट निकल रही है, एमिशन ऑफ हीट हो रहा है, जैसे आप रिस्पायर करते हैं, ठीक है, हीट निकल रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एमिशन. अगर किसी भी चीज का रिलीज होना लाइट या हीट का, सो दैट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. या फिर आप प्रेसिपिटेशन हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है प्रेसिपिटेट की, इट्स लाइक कि पीपीटी का बनना, जैसे आप सिल्वर आगे ब्रोमाइड की रिएक्शन करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक रिएक्शन आएगी. इसमें आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में दिखाया जाएगा कि किस तरह से जब दो कंपाउंड ऑल टूगेदर रिएक्ट करते हैं आपस में तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है, वो व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाती है रिएक्शन के अंदर, उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है. देन किसी भी चीज की कलर में चेंज आना, चेंज इन कलर. अगर आप कलर में चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहले से बाद में चेंज आ रहा है, सो दैट इज अ केमिकल रिएक्शन. गैस का एवोल्यूशन होना, टेम्परेचर का चेंज होना, पानी से स्टीम का बनना इज अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, आप वाटर से आइस का बनना इज अ केमिकल रिएक्शन, आइस को मेल्ट करना इज अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस का होना इज अ केमिकल रिएक्शन. सो ये सारी की सारी चीजें, टेम्परेचर चेंज, गैस का एवोल्यूशन, कलर में चेंज, ये सब कुछ, ये सारे फैक्टर्स हमें बताते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है. तो ये पांच फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए.
what is? First is emission of light, ya heat, ya fir formation of precipitate, color ka change hona, gas ka evolution hona, ya temperature ka change hona. So these all are the five factors which defines a chemical reaction. To identify a chemical reaction, you can observe any of these five factors in a thing. So you can say that ki chemical reaction ho rahi hai. Uske baad hamare ek scientist the Anthony Lavoisier, jo jinhone law of conservation of mass diya tha. Ye aapne 9th standard mein apne padha hoga. The mass jo hai, it can neither be created nor be destroyed during any chemical or physical reactions. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि जो conservation of mass है, जो mass है वो हमेशा same रहेगा. Reactants जो हमारे कुछ compounds reactants थे जब वो products में बन रहे हैं, तो जो reactants का mass है वो products के mass से same होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कुछ react करके different product बन गया, उसका मास भी चेंज हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, हमेशा हमारी आसपास ही रहता है. ठीक है, सो जो रिएक्टेंट्स है वो जो प्रोडक्ट्स में फॉर्म हो जाएंगे तो उसका मास चेंज नहीं होना चाहिए. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका कहता है. ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग केमिकल इक्वेशन को राइट डाउन करते हैं. ठीक है, तो अभी आपको ये देखना है कि आप कैसे ये इन एग्जांपल्स के थ्रू कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन. सो हियर यू कैन सी कि दिस पर्सन इन दिस पिक्चर इज स्मेलिंग समथिंग. सो ही कैन ऑब्जर्व अ नोटिसेबल ऑडर. ही कैन एक्चुअली स्मेल द थिंग व्हाट इज ही स्मेलिंग. ही कैन एक्चुअली फील दैट. सो इट मींस अ केमिकल रिएक्शन अकर्स. सो यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर there is this red thing. Thermometer में आप ये देख सकते हैं, this is red thing. यहाँ पे जब डाला और यहाँ पे जब डाला तो दोनों में temperature का change देखने को मिल रहा है. यहाँ पे ये red point यहाँ तक है, यहाँ पे ये red point यहाँ तक है. So you can see change in temperature, that means chemical reaction. हमने पढ़ा ना कि chemical reaction change in temperature से भी होती है, कोई smell आ रही है उससे भी होती है. जैसे इसमें आप नेल डाली हुई है, ठीक है, आयरन नेल डाली हुई है सॉल्यूशन में, और यहाँ पे गैस प्रोडक्शन हो रही है या फिर प्रेसिपिटेशन हो रही है. सो दैट इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन अकर्स. इन दिस पिक्चर यू कैन सी कलर में चेंज आ रहा है, रेड से ब्लू कलर हो गया. सो यू कैन से दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. सो ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं, फैक्टर्स हैं वेयर यू कैन आइडेंटिफाई कि केमिकल रिएक्शन हो रही है. ठीक है, तो अभी आप लोग सब देख सकते हैं कि आपके आसपास कुछ भी ऐसा आपको देखने को मिल रहा है तो यू कैन से कि हमारे आसपास केमिकल रिएक्शन हो रही है. बिकॉज नाउ यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई दोस केमिकल रिएक्शंस बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स यू हैव स्टडीड ओवर हियर. ओके, सो दिस कवर्स दिस वीडियो. So these are the topics we'll be covering under your part 2 video of this chapter. So chemical equation के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग different types की chemical equations और chemical reactions के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, so thank you very much. I hope this video is clear with you. If you guys have any still have any doubt, you can comment me in the comment box. I'll get back to you as soon as possible. And if you like this video, then please press the like button and share this video with your friends. And don't forget to subscribe this channel so that you can get notifications about the further videos. Till then, bye bye. Thank you. Take care. See you soon.